जो अवैध रेता माफिया रेता खनन उनके हलके में चल रहा है वो उनके मालिक हैं कि उनकी उसमें पार्टनरशिप है कि वो उसको उनका संरक्षण प्राप्त है। एक मिनट सच्चाई क्या है इसका पता चलना चाहिए। मैंने सुना था कुछ दिन पहले कैप्टन साहब ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे MLAs हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो रेता खनन को संरक्षण देते हैं या रेता खनन करते हैं। जितने बड़े स्तर के ऊपर अवैध रूप से रेता खनन चल रहा है पंजाब के अंदर, अगर इतने ऊंचे स्तर के लोग इसमें शामिल होंगे, मंत्री मुख्यमंत्री, अगर ऐसे उनके ऊपर आरोप लगेंगे तो फिर जनता कहां जाएगी, विकास कैसे होगा? एक एस्टीमेट के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए का अवैध रेता खनन चल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इस रेता अवैध रेता खनन को बंद करेंगे और जो अवैध रेता खनन का पैसा आज नेताओं की जेब में जा रहा है वो पैसा महिलाओं की जेब में जाया करेगा। 1,000 रुपए जो हम महिलाओं को दे रहे हैं वो तो खंडन करेंगे, कोई मानता थोड़ी है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पे FIR दर्ज होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंच चुके हैं और सीधा निशाना साध रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर। लगातार अपडेट इससे जुड़ा आपको देते रहेंगे। ABP News आपको रखे आगे।